हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफटेक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी डिटेल ये भी है फ्रेंड्स कि रिलीज डेट जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है वो ज़रूर से एंड तक की और एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस गेम से रिलेटेड जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोग नए आए हो हमारे चैनल के ऊपर, तो अभी इसी वक्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के ऊपर आप लोग को 100% रियल गेमिंग वीडियोज़ मिलते हैं। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी लीजेंड्स ऑफ वॉर जो गेम था उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर कुछ भी बताया हुआ नहीं था। देखिए, आज जो है मैं इस वीडियो के अंदर उसको भी कवर कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का जो लीजेंड्स ऑफ वॉर वाला वर्जन था, जो आज से 4 महीने पहले अवेलेबल हुआ था ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर ऑफिशियली, और उसके बाद में जो है उसका कोई भी अपडेट आया नहीं। तो वो एक्चुअली में था क्या, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी लीजेंड्स ऑफ वॉर करके एक एप्लीकेशन जो है वो कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ था, एक्टिविजन कंपनी की तरफ से। तो वो जो वर्जन था फ्रेंड्स, वो बीटा टेस्टिंग के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था। तो उसके ज़रिए से जो है वो हम इंडियंस ने, यहाँ पे कई सारे यूट्यूबर्स ने जो है VPN वगैरह ट्राई करके जो उसको प्ले करके जो है वीडियो के अंदर बताया था, और सभी बहुत सारे लोगों ने उसको प्ले भी किया, इवन आपने भी जो है वो प्ले किया होगा। ठीक है, तो बाद में हुआ क्या फ्रेंड्स कि एक्चुअली वो जो था वो बीटा वर्जन में था, और आप लोगों को पता है कि बीटा वर्जन का जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए वो अवेलेबल होते हैं, वो हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होते। कुछ जो है वो फिक्स टाइम करके कंपनी उसको जो है वो बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल करती है, और उसके बाद में वो वर्जन जो है वो तुरंत बंद भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से जो है वो कुछ एक या 2 महीने 1.5 महीने ऐसा कुछ चला था वो वर्जन, उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो फिर जो है यहाँ पे अब निकल के आ गई न्यूज़ के कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इसका नाम कर दिया गया, और ये जो है प्ले स्टोर के ऊपर प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया के लिए इसको लॉन्च कर दिए थे एक्टिविजन कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी लीजेंड्स ऑफ वॉर है फ्रेंड्स, ये अब आने वाला नहीं है। इसका जो ऑफिशियल नाम हो चुका है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जो अभी प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो ये सारी डिटेल जो है वो पहले आज से 4 महीने पहले हुई थी, इसको लेकर के भी बहुत सारे डाउट्स जो है वो आप सभी के मन में थे, और बहुत सारे लोग ये भी सर्च कर रहे थे कि लीजेंड्स ऑफ वॉर जो वर्जन था वो कहाँ गया, अब क्यों नहीं खेलने के लिए मिलता है, पहले तो खेल रहे थे। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैंने आप लोगों को बताई है लीजेंड्स ऑफ वॉर से रिलेटेड, यही सब कुछ जो है वो हुआ था आज से 4 महीने पहले। तो दोस्तों, अब मैं जो आप लोगों से एक और इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से जो है वो सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली में लोग कर क्या रहे हैं, देखिए जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का जो लीजेंड्स ऑफ वॉर वर्जन था उसको लेकर के लोग जो है अभी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो गड़बड़ भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। गड़बड़ ये कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी लीजेंड्स ऑफ वॉर वर्जन था उसका डेटा जो था वो 1.1 GB का था, और उसका APK भी था जो था शूटर करके उसका नाम था। तो अभी जो है वो तो एप्लीकेशन सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो है वो इतना बड़ा उनका 1.1 GB का डेटा जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में जो वो लोग ये भी बोलते हैं कि गेम तो हमारे स्टार्टिंग के अंदर ऑन हो जाता है, APK जो है वो ऑन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लॉगिन करते हैं हम लोग तो लॉगिन एरर बताता है, लोडिंग लेता रहता है, फिक्स कैसे करें इसको। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि आप जितना भी ये सारी गड़बड़ कर रहे हो कि लीजेंड्स ऑफ वॉर को कहाँ से डाउनलोड करें, 1.1 GB का डेटा जो आप लोग इतना सारा वेस्ट कर रहे हो, मैं आप लोगों को सिंपल एक वर्ड के अंदर बता देता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो होने वाला नहीं है। जो गेम है लीजेंड्स ऑफ वॉर वो टोटल तरीके से बंद हो चुका है। अगर आप लोग कहीं से भी कुछ भी करोगे, ऑस्ट्रेलिया का VPN जो है वो लगा कर ट्राई करोगे, तो भी गेम जो है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया था बीटा टेस्टिंग का, वो उन्होंने डिसकनेक्ट कर दिया है, मतलब वो गेम आप है ही नहीं, तो आपके मोबाइल में चलना इम्पॉसिबल है। तो ये सारा जो डेटा आप लोग अपना वेस्ट कर रहे हो और साथ ही साथ जो कंप्लेंट कर रहे हो, ये जो है कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि गेम जो है वो बंद हो चुका है। अब जो नया गेम आने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जो अभी इंडिया के लिए जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन उसका ऑन कर दिया। तो आप लोग जो है वो ये बात को समझ लीजिए, गेम जो है आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग को खेलने के लिए मिलेगा। तो अपना डेटा जो है वो वेस्ट मत कीजिए फ्रेंड्स।
तो दोस्तों अब लास्ट में बात करूंगा यहाँ पे आप लोगों से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की फाइनल रिलीज डेट के बारे में, जो कि अब कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंफर्म हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को 5 या 6 दिन पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो गेम है वो अभी रिलीज़ होने वाला अप्रैल के एंड तक के या तो मई के एंड तक के फाइनली रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत बड़ा चेंज हो चुका है और ये जो मैं अभी आप लोगों को न्यूज़ बताने वाला हूँ ये कॉल ऑफ ड्यूटी लवर्स के लिए जो है बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि अब आप लोगों को फाइनली जो है वो वेट करना पड़ेगा नवंबर मंथ का। जो रूमर्स और लीक्स निकल के आए थे कि ये मई के अंदर लॉन्च हो जाएगा, अप्रैल के एंड तक के लॉन्च हो जाएगा, ये होने वाला था। अभी कल के दिन ही जो है वो न्यूज़ यही चल रही थी कि जो गेम है वो अभी अप्रैल के एंड तक के लॉन्च हो जाएगा या तो फिर मई में जो है वो फाइनली लॉन्च होने वाला। लेकिन आज ही जो है मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च करने का हमें ये पता चला है फ्रेंड्स कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है ये अभी जो है वो मई के अंदर भी लॉन्च नहीं होने वाला, ना ही तो अप्रैल के एंड में लॉन्च हो, ये सीधा सीधा लॉन्च होगा। इसका ऑफिशियल वर्जन इंडिया कंट्री के लिए जो लॉन्च होने वाला है वो है नवंबर 2019 के अंदर। पूरी डिटेल आप लोग क्लियरली सुनिएगा। अभी देखिए अभी यहाँ पे होने क्या वाला है कि जो इंडिया के लिए जो इसका बीटा टेस्टिंग है वो अवेलेबल होने वाला है जुलाई 2019 के अंदर, यानी कि जुलाई मंथ के अंदर आप लोग को इसका बीटा वर्जन जो है वो देखने के लिए मिलेगा एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। उसके बाद में भी उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लोग फिक्स करके जो उतना बीटा वर्जन उसका चलाएंगे, फिर वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग को नवंबर के 14 से 15 तारीख के बीच में जो ये गेम फाइनली सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए इंडिया कंट्री के अंदर ये लॉन्च कर देंगे एक्टिविज़न कंपनी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल बता दी। इसका बीटा वर्जन आएगा जुलाई 2019 में, गेम जो है ऑफिशियली इंडिया कंट्री के लिए वो आने वाला है नवंबर में 14-15 तारीख के बीच में। ओके, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है। अभी यहाँ पे एपेक्स लीजेंड जो गेम है वो भी आने वाला है सितंबर से नवंबर के बीच में, तो ये दोनों जो गेम है आप लोग को इन्हीं महीने के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले जो है वो लॉन्च ये दोनों भी गेम जो है वो नहीं होने वाले। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो है इसका वेट आपको नवंबर तक का वेट करना ही पड़ेगा। बात करूँगा यहाँ पे एपेक्स लीजेंड वर्सेस कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, तो ये दोनों गेम के का क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा, कौन सा गेम ज़्यादा पॉपुलर होता है, कौन सा जो है वो यहाँ पे टक्कर किसको देता है वो भी देखना पड़ेगा। और बाकी तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी डिटेल यहाँ पे इस गेम से रिलेटेड बता दी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सैड न्यूज़ है, अब मैं तो कुछ आप लोगों को कर नहीं सकता हूँ, मेरा काम है से आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी जो है सब कुछ जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।